और राइट फ्रेंड्स, नाउ थोड़े जनरल कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, वो भी अपन देख लेते हैं कि जनरल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे. सो जस्ट यू रिफर इलस्ट्रेशन 8 एंड योर पेज नंबर 8.9. इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 8.9. कैन यू सी फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 8.9. XYZ Limited is considering a project. XYZ Limited is considering a project A with an initial outlay of 14 lakhs and possible 3 cash inflow attached with the project as follows. अगर सबसे worst case आया तो क्या, most likely आया तो क्या और best आया तो क्या. Assuming the cost of capital is 9%, determine NPV in each scenario, right? If XYZ Limited is certain about the most likely result in first 2 years, but uncertain about the third year cash flow, analyze what will be the NPV expecting worst scenario in the third year. It's very simple. आपको तीन सिचुएशन में, तीनों सिचुएशन में अगर वर्स्ट सिचुएशन हुआ, मोस्ट लाइकली हुआ और बेस्ट हुआ, तो पहले तीनों में NPV निकाल के बताना है. उसके बाद वो बोल रहा है कि दो में मेरे को बेस्ट मिलेगा और थर्ड में मेरे को वर्स्ट मिलेगा, तो व्हाट इज द एनपीवी. इट्स वेरी सिंपल, राइट. इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी. ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज योर All figures are in rupees in 1000. Suppose worst case, then most likely and best case, तीनों में क्या रहेगा आपका, ना. ओके, इट मीन्स ईयर जीरो देर इज ए आउटफ्लो of 1400 then inflow 1, 2, 3 450 year 2, 400 year 3, 700 550 450 800 650 500 900 Say yes or no. नाइन परसेंट इज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर. सो 100 डिवाइडेड बाई 109 इंटू 0.917 देन 0.842 देन 0.772 0.917 8, 4, 2, 7, 7, 2, 9, 1, 7, 8, 4, 2, 7, 7, 2, 450 into 0.917, 412.65. Are you following friends? हमारा outflow दे रखा है ना. XYZ Limited is considering a project A with the initial outlay of 14 lakhs. तो मैंने figure thousands में ले लिए,
तो अपना ऑल थ्री सिचुएशन में अपना आउटफ्लो क्या रहेगा, 14 लैक्स। अब अगर वर्स्ट सिचुएशन में जाते तो 450 मिलेगा फर्स्ट ईयर, 400 सेकेंड ईयर एंड 700 थर्ड ईयर। अगर मोस्ट लाइकली में जाते हैं तो 550 फर्स्ट ईयर, 450 सेकेंड ईयर, 800 थर्ड ईयर, और अगर बेस्ट में जाते तो 650, 500 एंड 900 मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर 9% अपने को दे रखा है, वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने को क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो से माइनस कर देंगे अपने को क्या आ जाएगा, एनपीवी। सही या सुनो फ्रेंड्स, ओके ऑलराइट, इट मींस 400 इंटू 0.842 इज 336.80 एंड 700 इंटू 0.772 इज 540.4। It means 412.65 plus 336.8 plus 540.4 minus 1400 is 110.15. ये आपका NPV आ जाएगा नेगेटिव अगर वर्स्ट केस हुआ तो। अब 550 इंटू 0.917 504.35 450 इंटू 0.842 378.90 800 इंटू 0.772 इज 617.6 504.35 प्लस 378.9 617.6 is minus 1400 is 100.85. Then 650 into 0.917 is 596.05. 500 into 0.842 is 421 and 900 into 0.2 is 694.8 plus 421 plus 596.05 minus 1400 is 311.85। सही है सुनो, अगर अपन इसमें जाते तो एनपीवी ये रहेगा, इसमें जाते तो ये रहेगा और इसमें जाते तो ये रहेगा। सही है सुनो, स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी आपसे क्या पूछा है उसने, स्टेटमेंट शोइंग एक्स वाई जेड लिमिटेड इज कंसिडरिंग ए प्रोजेक्ट ए विद इनिशियल आउट ले ऑफ 14 लैक्स एंड द पॉसिबल थ्री कैश इनफ्लो अटैच विद द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। वर्स्ट केस में अपना ये आएगा राइट, देन अपना मोस्ट लाइकली 550 450 एंड दिस एंड देन 650 500 एंड दिस मल्टीप्लाई बाई द डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। एज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज 9% डिटरमाइन एनपीबी इन ईच केस सिनेरियो। इफ एक्स वाई जेड लिमिटेड इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिटर्न इन द फर्स्ट टू ईयर बट अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर कैश फ्लो एनालाइज व्हाट विल बी द एनपीबी। इट्स वेरी सिंपल, इट मीन्स दिस इज statement showing NPV year 0 outflow all figure is in 1000 1400 into discounting factor 9% 1 present value 1400 1 2 3
मोस्ट लाइकली रिटर्न इन फर्स्ट टू ईयर, मोस्ट लाइकली 550 मिलेगा फर्स्ट ईयर में, 450 मिलेगा सेकेंड ईयर में, एंड बट अनसर्टेन थर्ड ईयर रिजल्ट, टू ईयर्स बट अनसर्टेन. एनालाइज व्हाट विल बी द एनपीवी एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनेरियो इन द थर्ड ईयर, वर्स्ट में 700 इनटू 0.917, 0.842, 0.772. इट मीन्स 550 इंटू 0.917, 504.35, देन 450 इंटू 0.842, 378.9, 700 इंटू 0.772 इज 540.4. 504.35, 378.9 and 540.4 minus 1400, 23.65. So 504.35 plus 378.9 plus 540.4 minus 1400 is 23.65. क्या बोल रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन में देख लीजिए ना आप जरा. स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी, आपको ईयर स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी, वो क्या बोल रहा है कि भाई जीरो ईयर में 1400 जाएगा, नो प्रॉब्लम. वो बोल रहा है फर्स्ट टू ईयर्स में मेरे को बेस्ट मिलेगा और लास्ट में मेरे को वर्स्ट मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई करो तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाए. से यस ऑर नो फ्रेंड्स. बोलो परफेक्टली क्लियर आना. All right friends, बोलो. अब आप रेफर करिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 8.19. क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 8.19. A&R Limited has under its consideration, मिला friends? A&R Limited has under its consideration a project with an initial investment of 90 lakhs. Three probable cash inflow scenario with their probabilities of occurrence have been estimated. Annual cash inflow 20 lakhs हो सकता है, उसका probability 0.2 है. 30 lakhs हो सकता है, उसकी probability 0.7 है. 40 lakhs हो सकता है, उसकी probability 0.1 है. The project life is 5 years and desired return of 18%. The estimated terminal value of the project assessed under the three possible alternative respectively are 0, 20 lakhs and 30 lakhs. You are required to calculate the probable NPV. It's very simple. It means this is your statement showing NPV. Okay. A&R
लिमिटेड हैज़ अंडर इट्स कंसिडरेशन ए प्रोजेक्ट विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 90 लैक्स. इट मीन्स दिस इज ईयर जीरो, योर आउटफ्लो आउटफ्लो इज 90 लैक्स इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 18%. इट मीन्स योर प्रेजेंट वैल्यू विल बी 90 लैक्स. ईयर जीरो आउटफ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर 18%, योर प्रेजेंट वैल्यू इज 90. A&R लिमिटेड हैज अंडर ए इट्स कंसिडरेशन ए प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 90 लैक्स. थ्री प्रोबेबल कैश इनफ्लो सिनारियो विद देयर प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस हैव बीन एस्टिमेटेड. ओके, अब आपको इनफ्लो मिलेगा. दिस इज योर इनफ्लो, दिस इज इनफ्लो. द प्रोजेक्ट लाइफ इज 1 to 5 years. 1 to 5 years तक आपको क्या क्या इनफ्लो मिलेगा? 20 लैक्स जिसका प्रोबेबिलिटी है 0.2. इट मीन्स 4 लैक्स. देन 30 लैक्स जिसका प्रोबेबिलिटी है 0.7. इट मीन्स 21 लैक. एंड देन 40 लैक्स जिसका प्रोबेबिलिटी 0.1 इज 4 लैक. इट मीन्स आपको इनफ्लो मिलेगा ये प्लस 4, 25, 29. ओके, 29 इनटू, अब आपको 1 to 5 years तक मिलेगा. दिस इज अवेलेबल 1 to 5 years. तो 1 to 5 years का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे 18% से, तो आएगा 3.125. इट मीन्स 29 लैक्स इंटू 3.125 इज 90,62,500. ये 18% का अगर 5 years का आप करोगे, राइट, 18% का 5 years का अगर आप करोगे तो आपको क्या आएगा? 3.125. प्लस एट द एंड ऑफ 5th year में आपको क्या मिलेगा? स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th year कितना है? 0 मिलने का चांस है. देन 20 लैक का चांस है 0.7, इसका 0.2. एंड 30 लैक मिलने का चांस है इस 0.10. इट मीन्स 14 लैक्स एंड 3, दिस इज 17 लैक्स. लेकिन ये कम मिलेगा एट द एंड. इट मीन्स 4, 3, 7. दिस इज द एंड ऑफ 5th year. ये एवरी ईयर 1 to 5. इट मीन्स 17 लैक्स इंटू 0.437, 749, 742, 900. आपका NPV आ जाएगा 90,62,500 प्लस 742,900 माइनस 90 लैक्स इज 805,400. दिस पार्ट इज क्लियर? क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट शोइंग NPV, स्टेटमेंट शोइंग NPV, ईयर जीरो, आउटफ्लो 90 लैक्स, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, आपको कितना मिलेगा? 90 लैक्स. इनफ्लो 1 to 5 years तक 20 लैक्स मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0.2 है. 30 मिलेगा, उसका 0.7 है. 40 मिलेगा, उसका 0.10 है. तो दिस टोटल दिस इनटू दिस एंड टोटल दिस. स्क्रैप वैल्यू एंड ऑफ 5th year 0 मिलने का, ये इसका मिलने का, ये इसका मिलने का, ये 0. ये कब मिलेगा पैसा? एट द एंड ऑफ 5th year में. तो आपका ये आ जाएगा और आपका NPV क्या हो जाएगा? दिस इज योर आंसर नंबर 1. कैलकुलेट द प्रोबेबल NPV.
ANR Limited under its consideration a project with a initial investment of 90 lakhs. आपका 90 lakhs rupees initial investment हो गया 90 lakhs. Three probable cash inflow scenario with their probabilities are 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs. उसका probability दे रखा है तो आपको ये आ जाएगा. उसको discounting factor 5 साल 1 to 5 years से multiply किया ये आ गया. स्क्रैप स्क्रैप मिलने का जीरो चांस है 20% 20 लाख 70% 30 लाख 10 इट मीन्स ये आ गया इनटू ये आ गया आपका ये. कैलकुलेट द प्रोबेबल एनपीवी कैलकुलेट द वर्स्ट केस एनपीवी एंड बेस्ट केस एनपीवी. अगर सबसे बेकार सिचुएशन हुआ तो क्या एनपीवी आएगा और सबसे बेस्ट सिचुएशन हुआ तो क्या एनपीवी आएगा. दिस इज योर आंसर नंबर वन. This is your answer number one. अब आप आ जाइए आंसर नंबर टू. आंसर नंबर टू कैलकुलेट द वर्स्ट केस एनपीवी एंड बेस्ट केस एनपीवी. इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग NPV. Worst case and best case. All right. Here zero. आउटफ्लो आउटफ्लो तो दोनों में सेम रहेगा चाहे वर्स्ट केस है चाहे बेस्ट है. देन वन टू फाइव इयर्स इनफ्लो. ओके अब इनफ्लो आपका अगर बेस्ट है अगर आपका वर्स्ट है सबसे बेकार है तो बेकार इनफ्लो कौन सा है आपका 20 लैक्स और सबसे बेस्ट हुआ तो आपको इनफ्लो कितना मिलेगा 40 लैक्स. इनटू क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर 3.125 इट मींस 20 लैक्स इनटू 3.125 इज 62,50,000 and 40 lakhs into 3.125 is 1,25,00,000. उसके बाद आपको मिलेगा फिफ्थ ईयर में स्क्रैप वैल्यू. अब स्क्रैप वर्स्ट केस में तो आपको मिलेगा नहीं बेस्ट केस में आपको मिलेगा 30 लैक्स. लेकिन 30 लैक्स का आज की डेट में क्या वैल्यू है इस 0.437 तो 30 लैक्स इंटू 0.437 इस 13,11,000 एनपीवी. 90 लैक्स माइनस 62,50 27,50,000 नेगेटिव 90 लैक्स माइनस 12,50,000 माइनस 13,11,000 125,000 13,11,000 माइनस 90 लैक्स 48,11,000. Are you following friends? This is the NPV. क्या बोल रहे हैं कैलकुलेट द वर्स्ट केस एनपीवी एंड बेस्ट. अगर अपन वर्स्ट केस में जाते हैं आउटफ्लो तो हमारा 90 रहेगा दोनों केस में. वर्स्ट रहेगा
बेस्ट रहे, है ना। लेकिन इनफ्लो हमको क्या मिलेगा, सबसे बेकार केस में 20 लाख, सबसे बेस्ट केस में ये मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ये आपका एनपीवी। स्टेट द प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ द वर्स्ट केस इफ द कैश फ्लो आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ओवर टाइम। नाउ क्या बोल रहा है, स्टेट द प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ द वर्स्ट केस इफ द कैश फ्लो आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ओवर टाइम। इन केस ऑफ फ्लो आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ओवर द टाइम, इट मीन्स द कैश फ्लो इन द फर्स्ट ईयर विल बी द कैश फ्लो इन द सब्सिक्वेंट ईयर। इन द वर्स्ट केस कैश फ्लो इज 20 लाख एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 20%, दस द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्स्ट केस इज 20% ओनली। इसमें दे रखा है ना कि अगर परफेक्टली ये है करके, अकरेंस वर्स्ट केस इफ द केस फ्लो आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, इसका मतलब जो 20 लाख फर्स्ट ईयर में आएगा वही अपने को मिलेगा करके ना आगे चल के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 20%। 20 लाख जो मिल रहा है ना क्वेश्चन में, तो इफ द कैश फ्लो आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ओवर टाइम, इट मीन्स कैश फ्लो इन द फर्स्ट ईयर विल बी द कैश फ्लो इन द सब्सिक्वेंट ईयर। जो अपने को फर्स्ट ईयर में मिलेगा पैसा, जो अपने को फर्स्ट ईयर में पैसा मिलेगा वही अपने को आगे मिलेगा करके, आर यू गेटिंग ऑन नॉट फ्रेंड्स। क्योंकि उसने बोला है ना कि इन द क्वेश्चन इफ द कैश फ्लो आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, ओके, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी 20% है। सो दिस योर आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 आप देखिए सॉल्यूशन बुक में, इफ द कैश फ्लो आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ओवर टाइम, इट मीन्स कैश फ्लो इन द फर्स्ट ईयर विल बी द कैश फ्लो इन द सब्सिक्वेंट ईयर। इन द वर्स्ट केस कैश फ्लो 20 लाख एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 20%, दस पॉजिटिवली वर्स्ट केस इज 20%। सही है सुनो फ्रेंड्स, ऑलराइट, जनरल पर्पज क्वेश्चंस चल रहे हैं अपने ना करके। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। यस फ्रेंड्स, सो नाउ वी कैन कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 5 एंड पेज नंबर 8.20। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप जरा देखिए क्वेश्चन 5 पेज नंबर 8.20। एसजी लिमिटेड इज कंसिडरिंग ए प्रोजेक्ट जेड विथ इनिशियल कैश आउटले ऑफ 7,50,000 एंड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। इट मीन्स कितना पैसा उसका जाएगा, 7,50,000 और उसकी लाइफ कितनी है, लाइफ है 5 ईयर्स। द एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। सेल्स अपने को दे रखा है, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन द फिक्स कॉस्ट इज 35,000, कॉरपोरेट टैक्स है 25%। एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपने को डिस्काउंटिंग फैक्टर अपने को दे रखा है 15%। डिटरमाइन एनपीवी इन द 3 सिनेरियो, वर्स्ट, बेस और बेस्ट। इट मीन्स ये 3 सिनेरियो आपको लेने हैं, एक सबसे बेकार वाला, राइट, एक बीच वाला बेस और थर्ड इज बेस्ट। अब इसमें आपको जरा ध्यान रखना है, एंजुमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन द एनपीवी, दिस पीवी फैक्टर आपको दे रखा। अब इसमें ये ध्यान आपको रखना है कि अगर अपना वर्स्ट केस है तो अपना कॉस्ट हाई रहेगा और सेलिंग प्राइस लो रहेगा। इसमें सेलिंग प्राइस हाई रहेगा, कॉस्ट लो रहेगा, और इसमें मिडिल का जो है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बोलो वर्स्ट में क्या बोलोगे, बोलो लिखो, वर्स्ट में कॉस्ट हाई सेलिंग प्राइस लो, इसमें सेलिंग प्राइस हाई कॉस्ट लो, और इसमें मिडिल का दोनों, ठीक है। स्टार्ट करें, इट मींस देखो एनपीवी निकलवाए ना अपने से, इट मींस दिस इज स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी,
इनफ्लो तो है अपने पास 7,50,000, उसको लास्ट में ले लेंगे, पहले इनफ्लो निकाल लेते हैं अपन। आउटफ्लो तो है ना अपने पास फ्रेंड्स, इनफ्लो। इनफ्लो कैसे, ये वर्स्ट केस, ये बेस और ये बेस्ट। वर्स्ट केस ओके, बेस और बेस्ट केस ओके। सबसे पहले आप ले लीजिए सेल्स। अब बेस्ट केस में आपकी सेल कितनी, वर्स्ट केस में सेल होगी 4500 यूनिट्स, इसमें मिडिल में 5000 और बेस्ट आपकी सेल हुई तो 5500 यूनिट्स ओके। अब रुपीस में आपकी सेल होगी 4500, 5000 एंड 5500। व्हाट इज द बेस्ट सेलिंग प्राइस, बेस्ट सेलिंग प्राइस व्हाट इज द सबसे बेकार सेलिंग प्राइस, 175 इज ए वर्स्ट, देन 200 इज मिडिल और बेस्ट सेलिंग प्राइस इज 225 लेस योर वेरिएबल कॉस्ट 4500, 5000, 5500। ये रहेगा 100, ये रहेगा 100, ये रहेगा 100 ओके, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। बेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 50,000, वो इसको मिलेगी। सबसे बेकार फिक्स कॉस्ट, सबसे ज़्यादा फिक्स कॉस्ट 1 लाख इसको मिलेगी और 75 इसको मिलेगी। ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट मीन्स 4500 इंटू 175, 787,500 वेरिएबल कॉस्ट 4500 इंटू 100 इज 4,50,000, 787,500 175 एंड नहीं, वेरिएबल कॉस्ट आपका चेंज हो जाएगा ना, गलत ले लिया, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट अपन को सबसे ज़्यादा कॉस्ट लेनी पड़ेगी ना इसमें, सबसे ज़्यादा कॉस्ट कितना है 150 फिर मिडिल में कॉस्ट है आपका 125 एंड इसमें कॉस्ट है आपका 100 मतलब वर्स्ट केस में आपका सेलिंग प्राइस सबसे कम, कॉस्ट सबसे हाई, इसमें सेलिंग प्राइस सबसे हाई और कॉस्ट सबसे लो, और इसमें सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट दोनों के बीच वाला, बीच वाला सही है। सुनो ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस सबसे कम, कॉस्ट सबसे हाई, सेलिंग प्राइस सबसे हाई, कॉस्ट। अब देखो बेस्ट सेलिंग प्राइस क्या है, 225 वो यहाँ ले लिया हम लोगों ने, उससे बेकार यहाँ पे और उससे बेकार यहाँ पे। सबसे ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सबसे ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सही है। सुनो इट मीन्स 4500 इंटू 150 इज
687,500 माइनस 675 माइनस 1 lakh इज 12,500. All right, then 5,000 into 200 is 10 lakhs. 5,000 into 125. Is 625,000. Right? Means 10 lakhs minus 625 minus 75 is 3 lakhs. And 5500 into 225, 1237,500. 5500 into 100, 5,50,000. 1237,500 less 5,50,000 less 637,500. यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? बोलो, वर्स्ट केस में क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस सबसे कम, कॉस्ट सबसे ज्यादा. सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा, कॉस्ट सबसे कम, और ये मिडिल. वही अपन ने ले लिया. देखो जरा, यूनिट्स सबसे कम, सबसे ज्यादा, मिडिल. सेलिंग प्राइस सबसे कम, सबसे ज्यादा, मिडिल. वेरिएबल कॉस्ट सबसे ज्यादा, सबसे कम, मिडिल. फिक्स कॉस्ट सबसे ज्यादा, सबसे कम, एंड मिडिल. सही है सर? तभी तो वर्स्ट और बेस्ट में एनालिसिस कर पाएंगे ना फ्रेंड्स. देन माइनस योर इनकम टैक्स 25%. ये आएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,500 इंटू 25% इज 3,125,9375. 3 lakh इंटू 25% 637,500 into 25%, 159,375, and this comes to 478,125. This is your profit after tax. मैंने आपको क्या बताया था? Profit after tax से कुछ नहीं होता. आपने को क्या चाहिए? Inflow. तो add depreciation. Depreciation कितना बोला उन्होंने? 35,000. 35 and 35, ये आपका हो जाएगा इनफ्लो. 9375 प्लस 35 इज 44,375. 225 प्लस 35 इज 2,60,000. 478,125 प्लस 35 इज 513,125. सही है सुना? बोलो. ऑल राइट, मल्टीप्लाई बाई क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर. 5 साल का मिलेगा ना फ्रेंड्स? 3.353. This is your present value. 44,375 into 3.353 is 1487,789.
87.89.38 260 × 3.353 is 871.780 513.125 × 3.353 is 1720.508.125, or you can say 13 13 minus initial investment. Bolo, minus minus initial investment. What is the initial investment? 750,000. Outflow बाकी का जो बचेगा वो एनपीवी कितना है 1487.89 minus 750,000 6,1,210.62 871780 minus 751,780 and 1720508 minus 970508.13. This is 13. Say yes or no. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था समझने का वो यही था कि अगर आपका वर्स्ट केस है तो आपको सबसे कम यूनिट लेनी है, बेस्ट है तो आपको सबसे ज्यादा यूनिट लेनी है, बीच वाला मिडिल है। यहाँ पे सबसे बेकार सेलिंग प्राइस, यहाँ पे बेस्ट, यहाँ पे मिडिल, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉस्ट, यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट मिडिल, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉस्ट, यहाँ पे सबसे कम मिडिल। फिर तो टैक्स लग के आ गया, आपका इनफ्लो आ गया, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया डिस्काउंटिंग फैक्टर से, इनफ्लो आ गया, माइनस कर दिया। सही आसान हो फ्रेंड्स। बोलिए इज दिस क्लियर? आपको जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिखाएंगे तब आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे कि देखो सपोज आज की डेट में अगर आप मेरे को बोलते हो कि सर व्हाट इज माय रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज माय रेट ऑफ रिटर्न या व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपको अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो मैं बोलूंगा भाई तेरे को क्या चाहिए, तेरे को रिस्क लेना है या नो रिस्क? बोले सर मेरे को नो रिस्क है। तो नो रिस्क है तो भाई तू चला जा पोस्ट ऑफिस में, डिपॉजिट और बैंक पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर दे, तेरे को हर तारीख को इंटरेस्ट मिल जाएगा और तेरा पैसा गारंटीड बाय गवर्नमेंट मिल जाएगा। आप बोलते हो नहीं सर मुझे थोड़ा रिस्क लेना है, तो देन देर इज ए CAPM थ्योरी, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, आपको बताएंगे इज ए रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा माइनस मार्केट रिटर्न लेस रिस्क फ्री रिटर्न, ये आपका हो जाएगा।
इसको बोलते हैं रिस्क विद प्रीमियम रिटर्न, और इसको क्या बोलेंगे, नो रिस्क। नो रिस्क मीन्स रिस्क फ्री रिटर्न। तो आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड पेज नंबर 8.21, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 8.21। न्यू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग 3 प्रोजेक्ट्स। न्यू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पास 3 है, P1, P2 एंड P3। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट P1, P2, P3। आपको कॉस्ट दे रखा है, इनफ्लो दे रखा है 1, 2, 3, 4, रिस्क इंडेक्स दे रखा है। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15% है, एप्लीकेबल टैक्स रेट 40%, रिस्क फ्री रिटर्न 10%। फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड, फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, ओके, ऑफ दिस प्रोजेक्ट, विच प्रोजेक्ट इज द बेस्ट। मैंने आपको क्या बताया था, रिस्क एडजस्टेड के लिए क्या अपने को निकालना है, इट मीन्स द रिस्क। आप जरा सॉल्यूशन बुक देखिए, 8.22 पेज पे सॉल्यूशन देखिए, 8.22 पेज। द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिस्क फैक्टर फॉर ईच ऑफ द प्रोजेक्ट आर गिवन। द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट कैन बी फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ CAPM। मैंने आपको क्या बताया, CAPM, इट मीन CAPM क्या बोलता है, रिस्क फ्री प्लस आपका रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर इंटू आपका KE माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, KE माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ओके। अब आपको क्या बोल रहा है, रिस्क फ्री आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, रिस्क फ्री आपको दे रखा है 0.10 चारों प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, तीनों के अंदर आपका रिस्क फ्री रिटर्न कितना है बोलो, रिस्क फ्री रिटर्न है दिस प्लस रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर आपको दे रखा है क्वेश्चन में रिस्क इंडेक्स 1.8, 1 एंड 0.6 इनटू आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 0.15, इट मीन्स कंपनी को मिनिमम चाहिए 0.15, और हमारा रिस्क फ्री क्या है 0.10। ये आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टाइम पे और डिटेल में बता देंगे, इट मीन्स 0.15 माइनस 0.1 इंटू 1.8 प्लस 0.10 विल बी योर 19% आपको रिटर्न मिलेगा। ये दिस इज कन्वर्टेड इन परसेंटेज फॉर्म, इट मीन्स 0.15 माइनस 0.10, 0.15 माइनस 0.10 प्लस 0.10 इज 15% आपका आ जाएगा, और ये 0.10 into 0.6 plus 0.10 is 13%. Say yes or no, friends. The three project can be evaluated 19%. Are you getting or not, friends? CAPM का formula है, वो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बता देंगे। रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, रिस्क फ्री रिटर्न। देन रिस्क फैक्टर, अगर हम ये प्रीमियम लेते हैं, अगर हम शेयर मार्केट में डालते हैं तो हमें रिस्क क्या है कि ये रिस्क है, उसकी वजह से हमको ये प्रीमियम है करके ना, तो ये आपका रडार आ गया करके ना। सही है, सो नो फ्रेंड, ऑलराइट। अब आप आ जाइए ना, क्या पूछ रहा है अपने से, विच प्रोजेक्ट इज द बेस्ट, इट मीन्स योर स्टेटमेंट शोइंग
एनपीवी प्रोजेक्ट्स 1, 2, 3 प्रोजेक्ट्स कैन बी इवेल्युएटेड 1, 2 एंड 3 आउटफ्लो कितना है 15 लैक्स इनिशियल आउटफ्लो कितना है 10 लैक्स और सॉरी 11 लैक्स एंड कितना है 19 लैक्स एंड इनफ्लो फोर इयर्स ओके यहां पे हर साल आपको 6 लैक्स मिलेगा यहां पे आपको 6 मिलेगा फर्स्ट ईयर में फोर लैक्स सेकेंड ईयर में 5 लैक्स थर्ड ईयर में 2 लैक्स फोर्थ ईयर में 4 लैक्स 6, 8 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 10 इट मींस आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है 19% ओके 19% फॉर 4 इयर्स अब आपका एक जैसा अमाउंट है तो आप क्यूमुलेटिव भी ले सकते हैं 19% फॉर 4 ईयर आप टेबल में भी देख सकते हैं राइट 2.639 आपको आएगा या आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं करके ना ओके तो ये आपका आ जाएगा 2.639 × 6 लैक्स इज 15,83,400 आपका एनपीवी आएगा माइनस 15 लैक्स आपका आउटफ्लो तो 83,400 इज दिस क्लियर और नॉट ये जो आपने लिया है ना यहां पे आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आ रहा है यहां पे आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर 19% है यहां पे आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% है यहां पे आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर 13% है ना तो 19 का जैसे 19 का 1 ईयर सेकेंड ईयर थर्ड फोर्थ फिफ्थ फोर ईयर तक ही लेंगे अपन ना 4 साल का ही है ना प्रोजेक्ट चार साल का अपन ने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया 100/119 × करके ना पॉइंट ये फर्स्ट ईयर का आ जाएगा सेकेंड ईयर का थर्ड एंड फोर्थ क्योंकि अमाउंट एक जैसा है कॉन्स्टेंट है इसके लिए अपन ने क्या कर दिया इसको एड लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते यहाँ पर अलग है बराबर तो देखो जरा 100/115 × पहला आएगा 870 दूसरा आएगा 756 तीसरा आएगा 658 चौथा आएगा 572 इसमें 13% में 100/113 × पहला आएगा 885
दूसरा आएगा 783, तीसरा आएगा 693 और चौथा आएगा 613। ऑलराइट, सो 6 लैक्स इंटू 0.870, 5,22,000। दूसरा आएगा 4 लैक्स इंटू 0.756, 3,02,400। फिर आपका आएगा 5 लैक्स इंटू 0.658 इज 3,29,000। फिर आपका आएगा 2 लैक्स इंटू 0.572, 114,400। 5,22 + 302 + 429 + 114 + 420 + 322 + 400 + 329 + 114 + 400 - 11,00,000 167,800। देन अब यहाँ पे आ जाइए आप, 4 लैक इंटू 0.885, 3,54,000, देन 6 लैक्स इंटू 0.783, 469,800, 8 लैक्स इंटू 0.693, 554,400, देन 12 लैक्स इंटू 0.613, 735,600, 354,469,800 - 5,54,400 - 735,600 - 19 lakhs आपका आएगा 213,800। प्रोजेक्ट थर्ड, इसका एनपीवी सबसे ज्यादा है, सही या सोनो फ्रेंड्स? पहले आप मेरे को बताइए, पहले तो आपको सीएपीएम वाला मैं आपको डिटेल में कराऊंगा एट द टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। यहाँ पे आप जरा ये समझ लीजिए कि रिस्क फ्री रिटर्न प्लस जो भी रिस्क इंडेक्स है, रिस्क फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाई आपका जो भी प्रीमियम है, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, तो उससे आपका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। फिर अपन ने देखा कि अपना आउटफ्लो कितना है, ये अपना आउटफ्लो हो गया। फिर अपन का इनफ्लो क्योंकि एक जैसा था, इसके लिए हम लोगों ने टोटल से मल्टीप्लाई कर लिया 19% से। यहाँ पे अलग अलग है तो सबके डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% से निकाल के किए, यहाँ पे अलग अलग है तो 13% से किए और ये आपका इनफ्लो आ गया। अब इसमें बेस्ट जो है वो आपका कौन सा हो गया, 3। तो हम कौन सा है, थर्ड हैज द हाईएस्ट एनपीवी, सो इट शुड एक्सेप्टेड द फॉर्म। सो दैट इज द एंड ऑफ योर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखिए आप फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझिए करके, क्या क्या अपन ने कवर किया था, बहुत अच्छे से उनको करिए, प्रैक्टिस करिए, बिना देखे आप लिखिए तो ही आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। ओके, थैंक यू।